हम खूब मसाजिद के लिए करते रहे काम, हम खूब मसाजिद के लिए करते रहे काम। या रब हो अता जज़्बा, रहमत तेरी है आम। या रब हो अता जज़्बा, रहमत तेरी है आम। निगरान शूरा के साथ दावत इस्लामी के फैज़ान मदीना के लिए जो कोलंबो में जगह ली गई है उसको देखने के लिए आए, और क्या फरमाइए इस बारे में, जैसे अभी कोलंबो में भी आपने जगह देखी। सबसे बुनियादी बात तो ये है कि मस्जिद से हमारे दीन व ईमान का तहफ़ुज़ है, और मस्जिद के होने से अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल मुसलमानों को आपस में जो इनकी मुलाकातों का सिलसिला होता है, जमात से नमाज पढ़ने में, जुमातुल मुबारक के हवाले से, बच्चों को कुरान मजीद सीखने सिखाने के हवाले से सहूलत रहती है। मैंने देखा यही है कि बाज़ जगहों पर तो मसाजिद बनाने का रुझान होता है, लेकिन ऐसा महसूस होता है कि बाज़ वो ममालिक या उस ममालिक में बाज़ ऐसे अशखास होते हैं, शायद वो मस्जिद के हवाले से इतने ज़्यादा मैच्योर्ड नहीं है, इनको शायद या तो मस्जिद की अहमियत का अंदाज़ा नहीं होता। दूर दराज मसाजिद होती हैं, फिर ये कहेंगे यार मस्जिद तो है ना, हालांकि ऐसा नहीं है। और वहाँ पे वो मस्जिद भी नहीं होती, बल्कि बाज़ औक़ात एक कम्युनिटी सेंटर या एक जगह किराए पर लेकर वहाँ नमाज़ हो रही होती है, और उसी में वो मुतमईन होते हैं। मुतमईन मतलब ये कि अब कोई ऐसा विजन नहीं है, कोई ऐसा काम करने का इनका जहन शायद नहीं होता होगा, या वो बाज़ औक़ात होता ही है कि चंद लोगों के हाथों में बहुत सारे लोग हो जाते हैं जी, ऐसे ही है, तो वो फिर अपने तौर पर चला रहे होते हैं। लेकिन अगर ऐसे अशखास सुन भी रहे हों तो मेरी मदनी इल्तिजा ये है कि जहाँ मुसलमानों की आबादियाँ हों, जहाँ मुसलमानों के चंद घर हों, वहाँ पर एक आध मस्जिद की ज़रूर भी ज़रूर तरकीब हो, कि इंशाअल्लाह ताला पांचों टाइम दुरूद व सलाम के साथ साथ अज़ान की आवाज़ें आपके कानों में आती रहेंगी, आपके महल में बरकत आएगी। जब अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र होगा तो आपके महल में ठीक ठाक बरकतों का नुज़ूल होगा अल्लाह की रहमत से, और फिर जो हमारी नस्लों का तहफ़ुज़ है, हमारे बच्चों का तहफ़ुज़ है, बहुत सारे इसमें मतलब फ़ज़ाइल हैं, बहुत सारी बरकतें। और मस्जिद तो अब आका मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब मदीने मुनव्वरा की तरफ आपने हिजरत फरमाई तो मदीने मुनव्वरा शहर में बाद में कदम रखा, पहले आप कुबा के मकाम पर रुके और वहाँ पर मस्जिद कुबा तामीर करवाई, और पहले वहाँ चंद दिन वहाँ क़याम रहा, उसके बाद सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मदीने मुनव्वरा में आपने जलवागरी आपकी हुई, और अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मकान मुबारक को आपने नवाज़ा। तो आप देखिए कि सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सबसे पहला जो काम किया वो मस्जिद की तामीर के हवाले से था। लेकिन यहाँ पर जैसे मुझे कोलंबो में आने के बाद जितनी अभी तक मालूमात है, लगता ही है कि शायद यहाँ पर मुझे ऐसा गुमान हुआ है कि 12 माह में कम अज़ कम 12 मस्जिद तो बनी जानी चाहिए, जहाँ भी मुसलमान के थोड़े बहुत भी मकानात इलाके हैं वहाँ पर मस्जिद बनी, क्योंकि यहाँ दूर दूर बाज़ों का मुसलमानों के एरियाज़ होते हैं, क्योंकि बहुत सारे मज़हब के लोग एक ही जगह एक ही शहर के अंदर एक ही मुल्क में रह रहे हैं, तो अगर मुसलमान अपने यहाँ मस्जिद तामीर करें, जो भी यहाँ के कानूनी तकाज़े हैं उन कानूनी तकाज़ों को पूरा करके ऐसी जगह बना ली जाए जहाँ पर हम पाँचों नमाज़ें बाजमात नमाज हो सके, अल्लाह तौफीक दे तो यहाँ पर अच्छे जामतुल मदीना खुलें, मदनी मुन्नों के मदारिसुल मदीना खुलें जिनमें बच्चे आएँ पढ़ें, मदनी मुन्ने आएँ हिफ्स करें। अब कोलंबो में तकरीबन लाखों लाख मुसलमान हैं, और शायद पूरे श्रीलंका में अगर कैलकुलेशन की जाए तो एक तादाद मुझे बताई गई मुमकिन है शायद यहाँ से 25 से 30 लाख से कम वेश मुसलमान श्रीलंका में। तो ज़ाहिर एक फैमिलीज़ हैं, इनके बच्चे हैं, फिर इनको इल्मे दीन सीखना सिखाना पूरी एक इस्लामी ज़िंदगी है। अगर जितनी मस्जिदें ज़्यादा होंगी, जितने मदारिस और काफ़लों का रुझान ज़्यादा होगा, दावत इस्लामी जितने घरों में ज़्यादा जाएगी, इंशाअल्लाह ताला मुसलमानों की ज़िंदगियों में इसी कदर इस्लामी ज़िंदगी का रुझान पैदा होगा।
लबैक कहते हैं आई साहब, लबैक कहते हैं, तो कोलंबो के आशिकान रसूल बिलखसूस अगर देखें तो आप आइए आगे बढ़िए। हदीस पाक में आता है जो अल्लाह अज़्ज़ वजल के लिए मस्जिद बनाता है अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत में महल तामीर फरमाता है, जन्नत में महल अता फरमाएगा उसे। तो ये अर्ज़ है मेरी यहाँ के मुसलमानों से भी और दुनिया भर के नाज़रीन से, कई लोग अपने वालिदैन मरहूमीन के इसाले सवाब के लिए मस्जिद बनाना चाहते हैं, तो चलें कोलंबो में इंशाल्लाह मस्जिद आप लोगों की तरफ से भी बन सकती है, हमसे राब्ता कीजिए।